हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज इस वीडियो में मैं आपको सारा जो कॉन्सेप्ट है आपका लैंड यूटिलाइजेशन क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, वहां से जो लैंड यूटिलाइजेशन का टॉपिक है वो आज हम वो पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो कवर करेंगे। तो इस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो लैंड यूटिलाइजेशन किस तरह से थ्रू आउट द वर्ल्ड और इंडिया स्पेशली देखा जाए तो किस तरह से जो लैंड है, जो जमीन है, वो इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, इस्तेमाल में आती है। तो इसके आपके कुछ टाइप्स हैं, देखिए मैंने पूरे फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग ये पूरे के पूरे मेंशन कर दिए। पहला आपका फॉरेस्ट है, अगर लैंड यूटिलाइजेशन देखा जाए किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है तो बहुत सारी जमीन पे, बहुत सारे पीस ऑफ लैंड में हमारा फॉरेस्ट जंगल पाए जाते हैं। इसके बाद है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसी भी लैंड है, ऐसी भी जमीने हैं जिसपे किस तरह का कल्टीवेशन नहीं होता, ठीक है, किसी तरह की खेती वाली एक्टिविटीज नहीं होती है, एग्रीकल्चर जैसी एक्टिविटीज नहीं होती है, बट कुछ किस तरह से हम इस लैंड को और तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अंदर हम वो चीजें पढ़ेंगे। इसके बाद थर्ड है आपका अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, मान लीजिए जिस जमीन पे हमने खेती नहीं करी, ठीक है, कल्टिवेशन नहीं किया, तो उस लैंड का हमने क्या किया, कुछ तो इस्तेमाल करूंगी ना, क्योंकि ह्यूमन एज ए ह्यूमन बींग हमें हर एक रिसोर्स को यूज करना है, हमें हर एक चीज को रिसोर्स बनाना है। इसके बाद देखिए फेलो लैंड, और इसके अंदर भी दो टॉपिक्स हैं, एक है आपका करंट फेलो और एक आपका सेकंड अदर अदर देन करंट फेलो, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी है, किस तरह से आपको लर्न करना है वो मैं बिल्कुल ट्रिक्स के अकॉर्डिंग ही आपको बताऊंगी, ताकि आपको इजिली ये चीजें लर्न हो जाए, कंफ्यूज ना हो, भूले नहीं, ठीक है। तो आप देखिए पहले आपको जो मेन पॉइंट याद करने हैं लैंड यूटिलाइजेशन के, वो आपको ये करने हैं और इसके अंदर आपके अपने आप लर्न हो जाएंगे। तो आपके लैंड यूटिलाइजेशन के अंदर पहला है फॉरेस्ट, सेकेंड है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, थर्ड है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, फोर्थ है फेलो लैंड, और फिफ्थ देखिए आपका है नेट सोन एरिया, ठीक है। और इसके साथ ही आपका जो है वो है नेक्स्ट है आपका ग्रॉस क्रॉप एरिया, इसको हम NSA भी बोलते हैं, सर स्पेस यहाँ पे रह गया था, फिर भी आप प्लीज एडजस्ट करिएगा, मैनेज करिए इस बार, तो इसको हम NSA भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। नेट सोन एरिया को हम बोलते हैं NSA और ग्रॉस क्रॉप एरिया को हम बोलते हैं GCA, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि क्वेश्चन जब आते हैं तो वो इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय GCA, तो आपको फुल फॉर्म लर्न होने चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय NSA, तो इट मींस नेट सोन एरिया। तो यहाँ से जो लैंड यूटिलाइजेशन का जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो आपके 1 मार्क के भी बन सकते हैं, 3 मार्क के भी बन सकते हैं, और साथ में आपका 5 मार्क का भी क्वेश्चन बन सकता है, स्पेशली 5 मार्क का अगर आपका आएगा तो आपके जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं वहां पे आपको ये मिल सकते हैं। तो अब देखिए आपका जो लैंड यूटिलाइजेशन हमने पूरा देख लिया कि 5 पॉइंट्स इसके मेन है, अब इसके अंदर क्या है, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले बता दिया कि बहुत सारी जमीन पे फॉरेस्ट जंगल पाए जाते हैं, जहाँ पे तरह तरह के पेड़ पौधे विदाउट एनी ह्यूमन एक्टिविटीज के यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए सेकंड है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसे कौन से लैंड है, कौन सी जमीन है जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं होता, तो वो है, एक है आपका बैरन एंड वेस्ट लैंड, देखिए बैरन वर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बंजर भूमि, ठीक है, अनफर्टाइल सॉइल, बंजर भूमि, अनफर्टाइल सॉइल, जहाँ पे लैंड की फर्टिलिटी नहीं है, तो आप वहां पे कल्टीवेशन के बारे में सोच ही नहीं सकते, ठीक है। तो एक तरह से आपका ये वेस्ट लैंड हो गया, जहाँ पे अगर कोई खेती की एक्टिविटीज नहीं होती तो वो किस तरह का लैंड हो गया, वेस्ट लैंड हो गया, आपके किसी काम का नहीं रहा। फिर सेकेंड देखिए आप क्या कर सकते हो, आप इस भूमि को कैसे यूज कर सकते हो, तो आप इस जमीन को या तो आप जो भी लैंड है जिसमें हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, ठीक है, उसमें हम क्या कर देते हैं, उसमें बिल्डिंग्स, ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना देते हैं, फैक्ट्रीज बना देते हैं, और बिल्डिंग्स बना देते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, जो है ना फ्लैट वगैरह, तो इतना से रेंट आ जाता है, बिक जाते हैं, तो एक भी ये इनकम सोर्स हो जाता है, तो इस तरह से ये जो जमीन होती है एक तरह से रिसोर्स बना दी जाती है। साथ ही उस जमीन पे रोड बन सकती है, रेलवे ट्रैक बन सकते हैं, और साथ ही फैक्ट्रीज लग सकती है, तो इस तरह से वो जमीन जो है वो इस्तेमाल में आ जाती है और वो रिसोर्स बन जाती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, ऐसे भी और भी लैंड होते हैं जिसमें हम खेती नहीं करते, बट और किस तरह से उसको इस्तेमाल में लाते हैं, तो हम लाते हैं परमानेंट पेशर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, ठीक है। पेशर्स बहुत हरी हरी घासें उगा दी जाती है बहुत बड़े बड़े मैदानों में, और इन घासों में क्या से क्या लाभ होता है हमें, क्या इसका यूज होता है, ग्रेजिंग लैंड, ठीक है, इसको हम जो है ना पूरा पूरा ग्रेजिंग लैंड की तरह यूज करते हैं, जहाँ पे जो जानवर है वो घास को चरते हैं, ठीक है, तो एक तरह से उनके ये यूज में रहती है, उनको फीड करने के लिए, ठीक है, एनिमल्स को फीड करने के लिए। सेकंड है कल्चरेबल वेस्ट लैंड, कल्चरेबल वेस्ट लैंड जो है ये वो लैंड है जिसमें आप कोई भी एक्टिविटी नहीं करते, एग्रीकल्चर वाली कल्टीवेशन नहीं करते, उस लैंड को फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, आप 5 साल तक उसमें कोई भी खेती नहीं करते, आप उस लैंड को छोड़ देते हो, ठीक है, 5 साल तक, तो इसको बोलते हैं आपका कल्चरेबल वेस्ट लैंड, मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, ठीक है, 5 साल से ज्यादा आप उसको छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद देखिए लैंड अंडर ट्री क्रॉप, ऐसे भी देखा गया है कि कुछ लैंड पे क्या होता है, लोग फर्नीचर के लिए, टिम्बर के लिए क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ों को उगा देते हैं, उसके बाद उसके पेड़ों को काट के वो सेल करते हैं, बेचते हैं,
उस एरिया में जब इतने सारा पेड़ उगा दिए जाते हैं तो वो एरिया किसमें आ जाता है, वो जमीन आ जाती है लैंड अंडर ट्री क्रॉप। जैसे आपने देखे होंगे यूकेलिप्टस के ट्रीज, जिसको हम सफेदा का पेड़ भी बोलते हैं, और ये पेड़ जो होते हैं बहुत लंबे लंबे और इनका बेसिकली फर्नीचर के लिए यूज किए जाते हैं पेड़ों को। और ये जहाँ पे होंगे जमीन पे होते हैं, यूकेलिप्टस का जो ट्री होता है वो बहुत ही ज्यादा वाटर कंज्यूम करता है, ठीक है। और जहाँ पे इतना ज्यादा वाटर अगर कोई पेड़ कंज्यूम कर रहा है तो उस जमीन की फर्टिलिटी अपने आप ही कम हो जाती है। कम का मतलब है कि वहां पे आप कोई और क्रॉप नहीं उगा सकते क्योंकि सारा का सारा पानी जो है वो ट्रीज ही यूज कर लेते हैं। तो जहाँ पे ज्यादा बारिश हो रही है तो उस वहां की जमीन के लिए बहुत ही अच्छी एक तरह की क्रॉप है, ट्री क्रॉप। तो ट्रीज को ना, ट्रीज को एक क्रॉप की तरह उगाया जाता है ताकि उनको बाजार में बेचा जाए और उससे पैसा कमाया जाए। तो इस तरह से इस जमीन में इस तरह से इसका उपयोग करके इसको एक रिसोर्स बनाया जाता है। फिर देखिए आपका नेक्स्ट है फैलो लैंड, ठीक है। फैलो लैंड में दो टाइप के हैं, एक है करंट फैलो और एक है अदर देन करंट फैलो। करंट फैलो में क्या होता है, लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर लेस देन वन एग्रीकल्चर ईयर। अगर हमने कोई भी लैंड लिया और उसमें एक साल या एक साल से कम हमने कोई भी उसमें खेती वाली एक्टिविटीज नहीं की, कोई एग्रीकल्चर नहीं किया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे करंट फैलो, ठीक है। एक साल तक हमने उसमें कोई भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज नहीं की तो वो हो गया हमारा करंट फैलो, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, अदर देन करंट फैलो लैंड, ठीक है। अदर देन इसमें एक साल या एक साल से कम, ठीक है, हमने कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं की। अब इसका जस्ट अपोजिट इसको ले लीजिए, इसमें हमने क्या किया कि कोई लैंड जो है लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर, हमने 1 से लेकर 5 साल तक इसमें कोई खेती नहीं की। यहाँ देखिए कल्चरेबल बेस लैंड 5 साल से ज्यादा, ठीक है, मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर हमने कोई खेती नहीं की, या करंट फैलो में 1 साल या 1 साल से कम तक कोई खेती नहीं की, और अदर देन करंट फैलो में हमने 1 से 5 साल के बीच में कोई भी खेती नहीं की, उस पीस ऑफ लैंड को हमने ऐसा कैसे छोड़ दिया। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जोन एरिया जिसे हम NSA भी बोलते हैं, ये क्या है, इज द एरिया सोन विद क्रॉप वंस इन अ पर्टिकुलर ईयर। इसमें क्या करते हैं कि जो भी हमारा जो हमने इस एरिया में जो भी हम क्रॉप को उगाएंगे वो साल में सिर्फ कितनी बार उगाएंगे, सिर्फ एक बार, ठीक है। नेक्स्ट सोन एरिया पीस ऑफ लैंड एरिया सोन विद क्रॉप वंस इन अ पर्टिकुलर ईयर, आप साल में सिर्फ कितनी बार क्रॉप उगाओगे, जब एक बार किसी भी खेत में उगाओगे, किसी भी जमीन पे एक बार जब क्रॉप उगाओगे तो वो आपका क्या है, वो आपका नेक्स्ट सोन एरिया हो गया, ठीक है। इसका आप जस्ट अपोजिट देखिएगा, ग्रॉस क्रॉप एरिया, ग्रॉस मतलब होता है टोटल, ठीक है, टोटल। तो GCA इज द टोटल एरिया सोन वंस एज वेल एज मोर देन वंस इन अ पर्टिकुलर ईयर। तो GCA वो टोटल एरिया होगा जिसको हम सोन करते हैं वंस एज वेल एज एक या एक से ज्यादा बार एक साल में, ठीक है, एक ही साल में आप किसी भी जमीन पे या एक बार या एक से ज्यादा बार फसल उगाते हो, क्रॉप उगाते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस एरिया को हम बोलते हैं ग्रॉस क्रॉप एरिया। तो इसको और अच्छे बेहतर तरीके समझते हैं, मान लीजिए मेरे पास 10 एकड़ लैंड है, ठीक है, तो ये जो 10 एकड़ लैंड है ये मेरा क्या है, ग्रॉस क्रॉप एरिया, टोटल मेरे पास एरिया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, नाउ इट डिपेंड्स ऑन मी, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है, दैट ऑन हाउ मच पीस ऑफ लैंड आउट ऑफ 10 एकड़ आई वॉन्ट टू डू एग्रीकल्चर। इस 10 एकड़ में से मेरे ऊपर है मैं कितने में खेती करना चाहती हूँ या कितने में एग्रीकल्चर नहीं करना चाहती। मान लीजिए 10 एकड़ में से जो मेरा ग्रॉस क्रॉप एरिया है, मैंने एक साल उस पे 5 एकड़ जमीन पे खेती की और बाकी इतने इसलिए नहीं करी क्योंकि मेरे पास प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, मेरे पास लेबर्स नहीं थे, मेरे पास फर्टिलाइजर्स नहीं थे, है ना, मेरे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक ट्रैक्टर्स थ्रेशर नहीं थे, तो इस वजह से मैंने 5 एकड़ जमीन पे खेती नहीं करी, सिर्फ मैंने 5 एकड़ पे की, ठीक है। 10 एकड़ जो मेरा ग्रॉस क्रॉप एरिया है उसमें सिर्फ मैंने 5 एकड़ पे खेती करी, तो जो 5 एकड़ पे मैंने सिर्फ साल में एक बार खेती करी है वो मेरा क्या है, वो है मेरा नेट सोन एरिया, ठीक है, वो है वो 5 एकड़ जो है मेरा वो है नेट सोन एरिया। इसके बाद आप समझिए ग्रॉस क्रॉप एरिया, मान लीजिए अगले साल नेक्स्ट बार क्या हुआ कि मैंने व्हेन देयर इज अ प्रॉपर इरिगेशन, जब अच्छी से फैसिलिटीज मुझे मिल गई, इरिगेशन भी मिल गया, लेबर भी मिल गया, केमिकल फर्टिलाइजर्स भी मिल गए मुझे, ट्रैक्टर थ्रेशर सारी मशीन भी मेरे पास हो गई, तो फिर मैंने खेती करी पूरे के पूरे 10 एकड़ जमीन पे, ठीक है। जब मैंने 10 एकड़ जमीन पे खेती करी तो अब इतनी बड़ी जमीन है, तो मैंने क्या करा, अच्छी जब मुझे सुविधाएं मिल गई, सारी फैसिलिटीज मिल गई, तो ऐसा नहीं साल में मैंने बस एक बार खेती करी, ठीक है, मैंने इसमें एक बार और एक से ज्यादा बार भी खेती करी, तो इस तरह से वो जो एरिया मेरा है वो क्या हो गया, ग्रॉस क्रॉप एरिया। तो आपको बस दो बातें यहाँ पे याद रखनी, एक है इसमें नेट सोन एरिया में सिर्फ एक बार खेती करना, आपने जो फसल उगाई साल में वो एक बार उगाई, अच्छा, और ग्रॉस क्रॉप एरिया में आप एक साल में आप एक से एक बार फसल उगा सकते हो या तो आप दो बार फसल उगा सकते हो।
और ये डिपेंड करता है, जो दूसरी बात मैं बता रही हूँ वो डिपेंड करता है सुविधाओं के आधार पर। पहले नेक्स्ट होने एरिया में, जैसे मैंने आपको पहली कंडीशन बताई थी कि सुविधाएं जब मेरे पास नहीं थी, सुविधाओं के अभाव में सिर्फ एक बार ही फसल उगाना एक ही जमीन पर, उसको हम बोलते हैं नेट सोन एरिया। ठीक है, चाहे कोई भी रीजन हो, मेरी मर्जी, मुझे साल में सिर्फ एक बार उगानी है क्रॉप, तो मैं एक ही बार उगाऊंगी, तो वो एरिया मेरा हो गया नेट सोन एरिया। उसके दूसरा देख लीजिए, दूसरे में मैंने बताया था आपको, जब बेहतर सुविधाएं मुझे मिल जाए और बेहतर सुविधाओं के साथ किसी भी जमीन पर एक या एक से ज्यादा बार खेती करना, ठीक है, एक या एक से ज्यादा बार एक ही साल में एक ही जमीन पे बेहतर सुविधाओं के साथ या कैसे भी समझ लिए, तो उसको बोलते हैं हम ग्रॉस क्रॉप एरिया। तो उस जमीन को हम बोलेंगे ग्रॉस क्रॉप एरिया। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो आपको तो प्लीज मुझे कमेंट करके प्लीज मेंशन करिएगा। इसके साथ ही इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपका इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आपको मैंने एक पहले ही वीडियोस में बना चुकी हूँ मैं, आप देखना चाहते हो आप प्लीज उसको देख लीजिएगा, ताकि आपके जो और भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाए। तो सारे जो लिंक्स हैं मैं आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज आपको मेंशन कर दूंगी। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।